मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हाई स्कूल और इंटर के हिंदी के प्रश्नोत्तरों का प्रारूप जारी कर दिया है। किसने भाई? यूपी बोर्ड ने। 2021 में जो बच्चे बैठ रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठ रहे हैं, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम देंगे 10वीं और 12वीं का, उन बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें आज ये पता लग जाएगा कि उनका पेपर का प्रारूप क्या होगा, किस टाइप के पेपर आना है। और अगर टाइप पता लगेगा और साथ साथ हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, और अगर आपने उतना कर लिया तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप 100 अपॉन 100 ला सकते हैं, अगर केवल उतना आपने कर लिया। देखते हैं पहले खबर क्या है भाई, फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे यूपी बोर्ड की, और वहाँ पर दिखाएंगे आपको पेपर डाउनलोड करके, और पेपर भी दिखाएंगे फिर आपको 10वीं और 12वीं का हिंदी का, और जैसे ही अन्य विषयों के आएंगे उनको भी हम आपको दिखाएंगे, लाएंगे बिल्कुल उसके लिए भी वीडियो। लेकिन उसके लिए आप अभी वीडियो को हमारा कर सकते हैं लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, साथ साथ चैनल को भाई कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको भी मिले। उसके लिए भी आप नोटिफिकेशन बेल को भी बिल्कुल दबा दें। चलिए देखते हैं क्या है। यूपी बोर्ड ने अगले वर्ष मतलब 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। मतलब स्टार्टिंग करी है हिंदी से, हिंदी हमारी मातृभाषा है। 2021 में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को इससे प्रश्न पत्र प्रारूप पता चल सकेगा और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहूलियत होगी। परीक्षार्थी इस प्रश्न पत्र से अभ्यास कर सकेंगे। और यूपी बोर्ड ने गुरुवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, गुरुवार मतलब कल थी 4 तारीख, तो 4 जून को इन्होंने कर दिया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हिंदी के प्रश्न पत्र का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षार्थी यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि प्रश्न पत्र में अंकों का विभाजन किस तरह होगा और कितने अंकों के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भी जानकारी मिलेगी कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड ने 2018 से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया था, और तब से परीक्षा पूर्व बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी किया जा रहा है। मतलब हर साल जारी किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अभ्यास कर सकें। तो यहाँ पर अभ्यास करने के लिए ये प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को होगी सहूलियत, और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के प्रारूप की होगी जानकारी। इसके माध्यम से कर सकेंगे वो अभ्यास। ये पूरी जानकारी है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखें भाई, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना डाउनलोड के सेक्शन पर अगर आते हैं हम, तो देखिए ये सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है, यह है क्वेश्चन पेपर हिंदी क्लास 10 और हिंदी क्लास 12, और ये कब का है? 4/6/2020 का है। चलिए एक पेपर मैं आपको कर देता हूँ डाउनलोड, और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में ये निकल कर आएगा आपके सामने। ये आया है 10वीं का पेपर। साथ साथ मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, दोनों का, 10वीं और 12वीं का। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। पहले समझते हैं, देखें क्या है यहाँ पर। ये है प्रश्नमाला, पहला क्वेश्चन जो आना है, पहला क्वेश्चन। 10वीं वाले बच्चे, क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान दें, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का होगा, बहुविकल्पी का होगा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 35 पेज का ये पेपर है, 35 पेज का पेपर है, तो आपको ढेर क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आने वाले टाइम में पेपर में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितने क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, पहले ही पेपर में 50 क्वेश्चन दे दिए हैं, 50 क्वेश्चन पहले पेपर में, इसे हल करें। दूसरा जो है क्वेश्चन है वो अति लघु प्रश्न का है, और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे यहाँ पर। इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने प्रश्न रहेंगे, लेकिन जितने भी होंगे यहाँ पर वो आपको सभी के आंसर देने होंगे। ये हैं अति लघु, और यहाँ पर 45 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर भी दे दिए हैं,
तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अगर तैयार करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लाभ होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब गद्यांश के बाद में यहाँ पर प्रश्न है तो उनके हिसाब से भी आप उत्तर दे सकते हैं, और यहाँ पर गद्यांश भी आपके लिए भरपूर मात्रा में दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं समझता हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। और यहाँ पर देखें कितने गद्यांश दिए हैं, 16 गद्यांश है। 16 गद्यांश को अगर आप कर लेते हो तो गद्यांश का सेक्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित पद्यांशों की सह संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा इनका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ व्याख्या के लिए इन्होंने पद्यांश दे दिए हैं और पद्यांश भी यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं। कितने पद्यांश दिए गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल कितने हैं। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको आराम से मिल जाएगा ये। और ये 31 हैं भाई, 31 हैं, आप टेंशन न लें, कहाँ जाना कहाँ नहीं, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। 5 के खेमे भी कवि हैं और उनके जो हैं जीवन परिचय और रचनाओं का उनका भी उल्लेख करना है, मतलब एक गद्य के हैं और दूसरे हैं पद के। और देखें केवल आप अगर ये 7 कवि याद कर लें, 7 लेखक इसके याद कर लें, और यहाँ पर इन्होंने 13 लेखक इसके दिए हैं, अगर इतने कर लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। निम्नलिखित का सह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवादित संस्कृत वाला जो पोर्शन होता है उसका आपको अनुवाद करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और यहाँ पर देखे कितने दिए हैं, इंपॉर्टेंट सारे सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुके हैं, कितने हैं, 12 पैरे यहाँ पर संस्कृत के दिए गए हैं, इन्हें पूरा कर लेंगे तो काम बनेगा। फिर है अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए श्लोक को कंठस्थ कीजिए, और दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत का एक श्लोक भी आपको याद करके जाना है और साथ साथ ये क्वेश्चन दिए गए हैं संस्कृत में, इनका उत्तर देना। क्वेश्चन कितने हैं भाई, क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने, 50 क्वेश्चन। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो पेपर आपका होगा 100 नंबर आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, मतलब रस पूछ लिए हैं, फिर अलंकार पूछ लेगा, और फिर छंद, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा। उपसर्ग आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 में, और प्रत्यय भी क्वेश्चन नंबर 9 में ही देखने को आपको मिल जाएंगे। तत्सम तद्भव भी इसमें मिलेंगे और साथ साथ पर्यायवाची भी आपको इसी में मिलेंगे। बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इन सबको याद कर लो केवल तो काम बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, ये निश्चित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कर लो भैया। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर, इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं 10 में, और जो है 10 का जो चौथा तीसरा पार्ट है उसमें है धातु लकार पुरुष और वचन का आपको बताना है, और इनका संस्कृत में अनुवाद आया है इसका चौथा पार्ट। और 11वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाषा शैली पर निबंध लिखना है, निबंध के लिए आपको यहाँ पर टॉपिक दे दिए गए हैं 10 टॉपिक को आप कंप्लीट करें, इन्हीं में से आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर खंड काव्य के आधार पर देना होगा, और इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ये किसका है भाई, 10th का 10वीं का पेपर है। अगर आ जाए हम 12वीं के पेपर के लिए तो 12वीं का पेपर भी आपका इसी तरह से बिल्कुल आना है। तो 12वीं का पेपर देखिए कक्षा 12 का है, प्रश्नमाला है, पहला वही बहुविकल्पीय है, और पहले जो बहुविकल्पीय है क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, कितने दिए हैं, 55 ये आ गए भाई आपके पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पी क्वेश्चन, मुझे लगता है 100 क्वेश्चन पहले पार्ट में, 100 क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 100 क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन मिले हैं, दूसरा भी जो है वो सही विकल्प, मतलब यहाँ भी आपको विकल्प का ही चयन करना, बहुविकल्पी है, और यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 100 ही क्वेश्चन इन्होंने दूसरे में दे दिए भाई। 200 क्वेश्चन अगर आप, या 90 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी यहाँ पर 90 क्वेश्चन है, तो अगर आप 190 क्वेश्चन ये याद करते हैं तो इन्हीं में से मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि वहाँ पर 190 क्वेश्चन नहीं आने, वहाँ पर आ जाएंगे 5-5, 10-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो इसी में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गद्यांश आया है तीसरा, तो गद्यांश के लिए भी यहाँ पर कई गद्यांश यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं भैया, कई गद्यांश दिए गए हैं, लगभग 10-12 गद्यांश बिल्कुल दिए होंगे इन्होंने, देख लेते हैं कितने गद्यांश आपके लिए इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं, उसमें 16 थे तो इसमें कितने दिए हैं, तो यहाँ पर देखें 16 ही दिए हैं, 10वीं में भी 16 गद्यांश दिए हैं इन्होंने, और 12वीं में भी यहाँ पर 16 ही गद्यांश दिए हैं। कक्षा 12 का पेपर चल रहा है, हिंदी का चल रहा है।
ठीक है। इसके बाद है पद्यांश, यहाँ पर फिर पद्यांश की बात आ गई, और पद्यांश में आप देख सकते हैं पद्यांश कितना है। देखिए यहाँ पर पद्यांश के लिए ये दे दिए हैं इन्होंने कितने, 15 हो चुके हैं अभी तक, 16 वह भी आ चुका है, और इस तरह से यहाँ पर पद्यांश भी काफ़ी मात्रा में दे गए हैं। अगर इतने ही पद्यांश आप कर लोगे तो काम बन जाएगा। देखिए पद्यांश है कुल 23 पद्यांश दिए गए हैं, 23 पद्यांश को आप कंप्लीट करें इन्हीं में से बात बनेगी। पांचों क्वेश्चन में जीवन परिचय है, जीवन परिचय लिखना है आपको। छठे क्वेश्चन में आपको सारांश लिखना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर जो है चित्रण की बात करी है, तो चित्रण आना है। और 12 क्वेश्चन इसमें दिए हैं तो इसमें से बिल्कुल आपको मिलेगा। और सातवां क्वेश्चन जो है खंड काव्य पर है, तो यहाँ पर खंड काव्य के लिए भी इन्होंने 8-10 पार्ट दे दिए हैं, उनको करें। और 6 पार्ट में अनुवाद के लिए है संस्कृत से हिंदी में, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कितने, 15 जो है पैरे आपको संस्कृत के मिल जाएंगे, और इससे काम बन जाएगा आपका। इसके बाद 6 में भी पद्यांशों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, और यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में आपको कुल मिलाकर 25, और संस्कृत में उत्तर है 9वें प्रश्न में, 9वें प्रश्न में आप संस्कृत में उत्तर दे सकते हैं। और क्वेश्चन कितने हैं, देखिए इतने क्वेश्चन अगर याद हो जाते हैं तो काम बनेगा, 65 क्वेश्चन है। और फिर है रस, रस का उदाहरण सहित व्याख्यान करना है, अलंकार की बात आ जाएगी, और भाषा शैली की बात आ जाएगी, कुल मिलाकर सही विकल्प। यहाँ पर संधि विच्छेद की बात आ गई है, देखिए संधि विच्छेद की बात कर रहा है वो, तो संधि विच्छेद यहाँ पर आप देख सकते हैं, संधि विच्छेद के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। और फिर सही विकल्प, समास की बात आ चुकी है, समास भी आएगा भैया, और समास भी अगर इतना करोगे तो बात बनेगी। यहाँ पर लकार भी आ जाएंगे। और उसके बाद 13वां क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनना, प्रत्यय के लिए प्रत्यय की बात आई है। और 14वां क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद का, 14वां क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस में, कक्षा 12 में। तो ये प्रश्न देखें और इनको कंठस्थ करें, और पेपर आपको पीडीएफ का रूप में मिल जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ये खबर सभी बच्चों तक पहुँचाएँ। जैसे अन्य पेपर